उत्तर अरबी समुद्र अनथन अड़ी आवेला विस्तारों में साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सिस्टम सक्रिय थई दक्षिण पश्चिम तरफ आगर वधी रही छे। तो आ सिस्टम की असर थी अमदावाद में पण 16 અને 17 जूने गाजवीज साथ वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। विशेषकर अमदावाद में थंडरस्ट्रोम की शक्यता वधी रही छे। शहरों में हजू सुधी वातावरण वादळछायुं रहेशे। उत्तर गुजरात में अरवली गांधीनगर सुरेन्द्रनगर तेमज सौराष्ट्रना केटलाक विस्तारों में भारे वरसाद पड़ी शके तेवी शक्यताओ दर्शावाई रही छे। तो राज्यना अनेक भागों में आगामी 4 થી 5 दिवस दरमियान हळवा थी मध्यम वरसाद की शक्यता हवामान विभागे व्यक्त करी। तो अमदावाद नुं महत्तम तापमान 4 डिग्री थी वधी 38.5 डिग्री थयुं हतुं। एमज लघुत्तम तापमान सामान्य करता 0.7 डिग्री थी वधी 27.2 डिग्री नोंधायुं। हवामान खाताना नियामक एम के मोहंतीए जणाव्युं हतुं कि समग्र चोमासानी सीजन दरमियान गुजरात में 96 થી 104% वरसाद पड़वानी शक्यता छे। तो राहत नियामक अध्यक्षे मळेली वेधर वॉच ग्रुप में राज्यनी वरसादनी स्थितिनी समीक्षा करता जणाव्युं कि सरदार सरोवर ड्रेम में 1.54 લાખ एमसीएफटी पानी नो संग्रह थयेलो छे, जेमां कुल क्षमताना 46.37% छे। जे राज्यना 206 ડેમ में 1.94 લાખ पानी नो संग्रह करे छे, जे कुल क्षमतानी 39.93% छे। हाल 2 ડેમ वॉर्निंग पर छे। तो गुरुवारे अने शुक्रवारे अमदावाद में थंडरस्ट्रोम ने आगाही करवामां आवी छे। उत्तर अरबी समुद्र अने तेना अड़ीना आवेला विस्तारों में साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सिस्टम थई दक्षिण पश्चिम तरफ आगळ वधी रह्युं छे। आ सिस्टम की असर थी अमदावाद सहित राज्य में 16 થી 17 जूने गाजवीज साथ वरसाद थवानी आगाही छे। विशेषकर अमदावाद में थंडरस्ट्रोम की शक्यता पण वधी रही छे। तो हजू पण वातावरण वादळछायुं रहेशे। उत्तर गुजरातना अरवली गांधीनगर सुरेन्द्रनगर तेमज सौराष्ट्रना केटलाक विस्तारों में भारे वरसाद पड़े तेवी शक्यताओ छे। राज्यना अनेक भागों में आगामी 4 થી 5 दिवस दरमियान हळवा थी मध्यम वरसाद की शक्यता हवामान विभागे व्यक्त करी छे। अमदावादनुं महत्तम तापमान 4 ડિગ્રી થી વધી 38.5 ડિગ્રી નોંધાયું હતું, તેમજ લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 0.7 ડિગ્રી થી વધી 27.2 ડિગ્રી નોંધાયું હતું। હવામાન ખાતાના નિયામક એમ મોહંતીએ જણાવ્યું કે સમગ્ર ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન ગુજરાત 96 થી 104% વરસાદ પડવાની શક્યતા છે। તો રાહત નિયામકના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી વેધર વોચ ગ્રુપમાં રાજ્યની વરસાદની સ્થિતિની સમીક્ષા કરાઈ, જેમાં સરદાર સરોવર ડેમની 1.54 લાખ એમસીએફટી પાણીનો સંગ્રહ થયો, જે કુલ ક્ષમતાના 46.37% છે। રાજ્યના 206 ડેમમાં 1.94 લાખ પાણીનો સંગ્રહ છે, જે કુલ ક્ષમતાના 34.93% છે। હાલ 2 ડેમ વોર્નિંગ પર છે।